हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं नामसी चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती से रिलेटेड मैं आपको हमेशा न्यू अपडेट बतलाते रहता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती की पहली फिल्म बैड बॉय ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में डंका पीट चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैड बॉय से बहुत सारे दिग्गज सुपरस्टार भी इनके डर से अपने मूवीज की डेट टाल दिए, रिलीजिंग डेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती को आज के डेट में टाइगर श्रॉफ का दर्जा दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती ने अपनी पहली फिल्म बैड बॉय से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में डंका पीट चुके हैं, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैड बॉय के नाम से इतनी जबरदस्त पॉपुलरिटी बढ़ोर चुके हैं। नामसी चक्रवर्ती की जो भी आता है, नामसी चक्रवर्ती को बैड बॉय की तारीफ ही तारीफ कर पाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामसी चक्रवर्ती की पहली फिल्म बैड बॉय की सफलता के बाद उनके पिताजी मिथुन चक्रवर्ती ने नामसी चक्रवर्ती को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। जी हाँ, आप गिफ्ट का नाम सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नामसी चक्रवर्ती को उनके पिताजी मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें दुबई में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट गिफ्ट में किए, जिनकी कीमत लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए जताई जा रही है। दोस्तों ऐसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामसी चक्रवर्ती के बहुत सारे जगहों पे अपार्टमेंट है, इनका फ्लैट भी है। तो लेकिन फाइनली एक न्यूज अपडेट आया है कि नामसी चक्रवर्ती को उनके पिताजी मिथुन चक्रवर्ती ने एक 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया है, वो भी दुबई में। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, पहली फिल्म सक्सेस पे इन्हें मिला इतना बड़ा जबरदस्त गिफ्ट। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामसी चक्रवर्ती की मूवीज जो कि बैड बॉय हो, इतनी जबरदस्त मूवी है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सिनेमा हॉल में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती ने खुलकर एक्टिंग किया है इस मूवी बैड बॉय में, क्योंकि आप जिस तरह से नामसी चक्रवर्ती को देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगे मिथुन दाज। हाँ, वही मिथुन चक्रवर्ती जो कि बंगाल द टाइगर और बहुत सारे मूवीज लोहा, बहुत सारे मूवीज में अपने डांसिंग और एक्शन के बदौलत बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तरफा राज किए थे, तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का नाम ही पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से डंका पिटा रहा था, सेम उसी तरह उनके बेटे नामसी चक्रवर्ती ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नामसी चक्रवर्ती का एक नाम ब्रांड बन गया आज के डेट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती अब बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ बहुत जल्द देखेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारे सुपरस्टारों के साथ अपकमिंग मूवीज आने की खबर फैल रही है। मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती अब छोटे मोटे एक्टर नहीं रहे दोस्तों, क्योंकि नामसी चक्रवर्ती की कम बजट की फिल्म बहुत सारे जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जो कि अभी तक पूरे थिएटर्स में नामसी चक्रवर्ती की मूवीज बैड बॉय लगी हुई है। दोस्तों क्योंकि बैड बॉय के दर्शकों ने इतना खूब प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं कि बैड बॉय की पॉपुलैरिटी अभी तक नहीं कम है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं गाइस कि अगर आप मेरे इस चैनल पब्लिक प्रहार पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मिथुन दा और नामसी चक्रवर्ती के रियल फैंस हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसी चक्रवर्ती को आप देखिएगा मूवीज में तो आपको सेम लगेंगे कि मिथुन दा है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की तरह सेम नामसी चक्रवर्ती ने पूरे बॉलीवुड मूवीज में